अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे औलिया चाम चैनल। वैसे तो हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के करामातों के चर्चे पूरी दुनिया भर में मशहूर है, और उन्हीं करामातों में से आज हम आपके सामने एक करामात लेके आए हैं। और ये वाकिया जयपुर के सुपरिटेंडेंट और हजरत बाबा ताजुद्दीन से जुड़ा हुआ है, और इस वाकिये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यूसुफ हुसैन, जो कि जयपुर स्टेट के सुपरिटेंडेंट थे, जब यूसुफ हुसैन के वालिद साहब की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, तो वो वाकी शरीफ के हजरत बाबा ताजुद्दीन की अदालत में अपने वालिद साहब की तबीयत ठीक कराने की दुआ कराने पहुंच गए। और यूसुफ हुसैन के कुछ कहने के पहले ही हजरत बाबा ताजुद्दीन ने अपने कंधे पे रखा कंबल निकाला और उसे जमीन पर बिछा दिया। और फिर हजरत बाबा ताजुद्दीन ने वहाँ पर खड़े सभी लोगों से ये कहा कि अब हम फातिहा पढ़ेंगे। और ये कहने के बाद हजरत बाबा ताजुद्दीन ने दुआ के लिए अपना हाथ उठा लिया। यूसुफ हुसैन और वहाँ पर खड़े तमाम लोगों ने भी दुआ के लिए अपने हाथ उठा लिए। और हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की फातिहा खत्म होने के बाद यूसुफ हुसैन हकीम जफर जयपुरी के घर पहुँच गए। हकीम जी के घर पहुँचने के बाद यूसुफ हुसैन को ये पता चलता है कि उनके वालिद साहब का तो इंतकाल हो चुका है। अपने वालिद साहब के इंतकाल की खबर सुनते ही यूसुफ हुसैन भागे भागे जयपुर पहुँच जाते हैं। और जयपुर पहुँचने के बाद यूसुफ हुसैन को ये पता चलता है कि जिस वक्त हजरत बाबा ताजुद्दीन ने फातिहा पढ़ी, तब ठीक उसी वक्त जयपुर में उनके वालिद साहब की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। और ये सब पता चलने के बाद यूसुफ हुसैन हैरान हो गए। तो देखा मेरे दोस्तों, किस तरह से हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गैब इल्म से वो सब जान लिया जो यूसुफ हुसैन को भी नहीं पता था। यूसुफ हुसैन तो ये सोच रहे थे कि उनके वालिद साहब अभी जिंदा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके वालिद साहब का तो इंतकाल हो चुका था। अगर आपको आज का ये वाकिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।